A very good morning, everyone. I hope you all are doing good. Sabadia? Okay, uh, so let me know if I am audible and visible to you all. Good morning, Ruby. Good morning, Mohammed. Good morning, uh, Kaushiki, Sumit. रूबी अंशिका दिवाकर असीम सुमित एवरीथिंग क्लियर शो एबलेट सी देखेंगे अभी टाइम है उसके लिए ओके सो आई होप आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू एवरी वन या सो गुड टू सी यू ऑल ऑल सेट गुड टू गो ओके रवि सो सब बढ़िया है तो स्टार्ट कर सकते फिर हम लोग आज अम, हमारे लेक्चर से सो टूडे लेक्चर नंबर टू ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमेस्ट्री कल हमने फर्स्ट लेक्चर किया था और बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें देखी जो एक अलेवेंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट को पता होना चाहिए सो so, स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव माई इंट्रोडक्शन लाइक ऑलवेज तो My name is Priya Singh, and I have completed my post graduation in chemistry. I have a teaching experience of more than three years, and I have uh, taught more than twenty thousand students. And now I'm going to teach you all uh, online on the New Light Need channel. So, welcome to New Light Need channel. Okay, I'm doing good, bacha. सो लेट्स मेक दिस डे काउंट है ना आज थोड़ा प्रोडक्टिव करेंगे आज बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सो so, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कल मैंने कौन से कौन से टॉपिक्स कवर किए थे जिसने अटेंड किया है सेशन उनको पता होगा जिसने नहीं किया उनको उनके लिए मैं बता दूँ कल मैंने डिस्कस किया व्हाट इज मॉल वॉट इज एटोमिक मास वॉट इज एवरेज एटोमिक मास वॉट इज मॉलिकुलर मास व्हाट इज फॉर्मूला मास एंड व्हाट इज मोलार मास तो जितने भी टाइप्स ऑफ मासेस दिख रहे हैं आपको वो सब हमने कर लिया था मोलार मास में मैंने लास्ट में कुछ बातें बताई थी जैसे कि सपोज अगर मैं आपको बोल दू कि मेरे पास सिक्सटीन यू ऑफ ऑक्सीजन है 16 यू ऑफ ऑक्सीजन ऐटम है और अगर मेरे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऐटम है तो दोनों में कुछ फर्क होता है आई एम श्योर sure सबको पता होगा क्या फर्क होता है अगर मैं सिक्सटीन यू बोलू मतलब कोई बता सकता है कि मैं एटॉमिक मास की बात कर रही हूं या मोलर मास की बात कर रही हूं ओके शोयब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्सटीन यू ठीक है सिक्सटीन यू बोला मैंने अगर मैं अगर ये बोल रही हूँ कि ऑक्सीजन एटम जो है उसका मास सिक्सटीन यू है तो ये कौन सा मास है एटॉमिक मास या मोलार ओके, देर आर पीपल आंसरिंग करेक्ट आई कैन सी रवि कौशिकी अभिषेक उत्कर्ष वेरी गुड Unit U न, unit U ये वेरी गुड सो एटोमिक मास इज द राइट आंसर तो याद रखिए मास एंड वेन एवर द यूनिट इज ग्राम वी आर टॉकिंग अबाउट मोलार मास कल एक बेसिक सी बात थी जो मैंने डिस्कस की थी और मैंने फिर से रिपीट कर दिया सो so दैट जिसको नहीं पता होगा उसको भी पता चल जाएगा तो so, अभी हम स्टार्ट करेंगे विद द परसेंटेज कॉम्पोजिशन परसेंटेज कॉम्पोजिशन स्टार्ट करने से पहले एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है जो कि हम हमेशा यूज करते हैं बट वो आपके टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक में क्लियरली दिया नहीं है तो बिकॉज टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे पहले उस फॉर्मुला को डिस्कवर करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विथ परसेंटेज कॉम्पोजिशन सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन एम्पेरिकल फॉर्मूला टोशोमेट्री लिमिटिंग रियजन मास परसेंट मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी मोलैरिटी तो ये सारे कॉन्सेप्ट है जो हमको आज कवर करने हैं देखते हैं लेटेस्ट सी हाउ मच वी कैन कवर टूडे सो देखिए दिस वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी हैड कवर्ड यस्टरडे ठीक है इस पे हमने खत्म कर दिया था लेक्चर लेक्चर एंड कर दिया था अभी हम क्या करेंगे एक नया फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं जिसको आप और मैं मिलकर साथ में डिराइव करेंगे सो लेट मी जस्ट गिव यू द कॉन्सेप्ट योर देखिए मैं क्या बोल रही हूं हाँ देखिए व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम अच्छा मुझे आप ही बता दो अगर मैं 16 ग्राम लू ऑक्सीजन एटम का मतलब कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है टेल मी कल ही मैंने आपको बताया है कि अगर मैं 16 ग्राम लू ऑक्सीजन एटम का मतलब हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आटम ओके रवि हैज ऑलरेडी आंसर ग्रेट कौशिकी कोमल वेरी गुड आसीम वेरी गुड दिवाकर शोएब कौशिकी सूर्य प्रकाश गुड सो आंसर विल बी वन मोल सो सी वो टाइम सेंगे अगर आपने 16 ग्राम लिया ना ऑक्सीजन आइटम का तो न, इस 16 ग्राम ऑक्सीजन आइटम में ना 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री आइटम्स मिलते हैं ऑक्सीजन के बिकॉज सोलह ग्राम ऑक्सीजन आटम में सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री आइटम्स मिलते हैं ऑक्सीजन के इसीलिए इस सिक्सटीन ग्राम को हम क्या बोलेंगे वन मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम बोलेंगे ठीक है अभी माई क्वेश्चन टू यू इज कि अगर मैंने 48 ग्राम लिया है ऑक्सीजन आइटम का तो कितने मोल बने ऑक्सीजन आइटम के तो आपको क्या करना है सिंपल मैक्स है बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है तो मुझे बता दीजिए एक्स का वैल्यू क्या होगा यस yes, रवि का आंसर आ चुका है असीम का आंसर कौशिकी सूर्यप्रकाश नम्रता वेरी गुड अभिषेक वेरी गुड दिवाकर सही है प्रीति वेरी गुड विवेक करेक्ट है तो देखो सिंपल मैथ्स है इसमें क्या ही पूछना था बट स्टिल आई आस्ट यू तो कैसे निकाला हमने वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ऊपर क्या लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में फोर्टी एट आ जाएगा डिनोमिनेटर में सिक्सटीन आ जाएगा ठीक है तो अभी हमको इसको देखकर लाइक like फोर्टी एट बाई सेंगे तो हमको आंसर मिल जाता है थ्री मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम अभी ये जो हमको आंसर मिला है ना इससे हम कोशिश करेंगे एक फॉर्मूला डिराइव करने का सो लेट अस डू दैट अभी देखिए जो थ्री मोल मिला है दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स है ना थ्री मोल क्या है दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स फोर्टी एट क्या है फोर्टी एट मैंने आपको दिया था तो यू कैन से न्यूमरेटर में आपको क्या रखना होता है न्यूमरेटर में आपको गिवेन मास रखना होता है और डिनोमिनेटर में सिक्सटीन है तो सिक्सटीन क्या होता है सिक्सटीन इज नथिंग बट मोलर मास ऑक्सीजन आइटम का मोलर मास क्या है ऑक्सीजन आइटम का मोलर मास है 16 ग्राम राइट right, तो बेसिकली अगर आप देखोगे आपके सामने एक फॉर्मूला है न्यूमिनेटर में आपको गिवेन मास लेना होता है डिनोमिनेटर में आपको मोलर मास लेना होता है एंड गिवेन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स तो ये फॉर्मूला आपके सामने बनकर आया है इसी फॉर्मूला को यूज करके आपको क्या करना होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है सो so आप देखिए नीचे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स को आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो कल भी मैंने बताया था इज इक्वल टू गिवन मास गिवन मास को हम लोग w से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मोलर मास को हम एम mm एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लाइक थोड़ा सा हमारा लाइफ इजी हो जाएगा इसलिए हमने क्या किया गिव एन मास के लिए डब्लू मोलर मास के लिए एम mm, एम और नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन तो आप देखिए फॉर्मूला क्या हो गया स्मॉल एन इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम एम बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पर जब भी गिवन मास दिया हो वो ग्राम में होना चाहिए ठीक है अगर के में होगा तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मोलार मास तो वे ग्राम में ही रहता है ठीक है सो तो जस्ट रिमेम्बर कि अगर आपको गिवन मास दिया है तो उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर के जी में दिया है तो ग्राम में करना पड़ेगा बस यही बात है तो अभी क्या करते हैं विवेक जस्ट गिव मी अ मिनट आई शो यू आफ्टर सम टाइम ठीक है थोड़ा टाइम के बाद या yeah. अभी क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो लेट मी शो यू टू क्वेश्चंस एंड आई वांट यू ऑल टू गिव इट अ ट्राई सॉल्व कीजिए पहला वाला चाहिए तो मैं सॉल्व कर देती हूँ आप लोगों के लिए ठीक है दूसरा वाला आप ही को सॉल्व करके बताना है सो देखिए लेट मी हेल्प यू विद द वेरी फर्स्ट वन आपको पता है फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवेन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास ठीक है तो सबसे पहले मोलार मास निकाल लेते हैं H2SO4 का कैसे निकालेंगे देखिए एक हाइड्रोजन आइटम का कितना होता है वन ग्राम पर मोल होता है तो दो हाइड्रोजन आइटम का कितना हो जाएगा टू हो जाएगा प्लस एक सल्फर का इट इज थर्टी टू ग्राम एक ऑक्सीजन का सिक्सटीन होता है यहाँ पर चार ऑक्सीजन है तो फोर इंटू सिक्सटीन करेंगे So, आप देखिए मोलर मास कितना आ जाएगा 98 एट वेरी गुड सो आपको क्या करना है जो गिवेन गिवेन मास है वो टू नाइनटी फोर है और ग्राम में रखा हुआ है तो कोई बात ही नहीं है ठीक है टू डिवाइडेड फोर डिवाइडेड टेल मी एट क्या आएगा वैल्यू कम ऑन टू मी फोर डिवाइडेड बाय 98 एट इज नथिंग बट या वेरी गुड आसीम सही है कितना मिलेगा इट विल बी थ्री मोल ऑफ एच टू एस ओ फोर सो ए वाला आई थिंक वेरी इजी है ना ए वाला मैंने आपको बता दिया बी वाला बताइए मुझे यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना यूनिट पर लेटमी सी कौन कौन आंसर कर सकते हैं फॉर द बी क्वेश्चन यस यस कौशिकी कोमल संजय सूर्या बी का आंसर बताइए कमल आसिम प्लीज चेक कीजिए कुछ तो मिस्टेक है कौशिकी चेक कीजिए यूनिट का खास ख्याल रखना है इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले वही बताया था जब भी आप गिवेन मास दिया है आपको उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर गाइस आई थिंक एक ही बच्चे ने आंसर दिया अभी तक बराबर कुछ तो मिस्टेक हो रहा है ओके ओके पीपल आर गिविंग द राइट आंसर या या आई कैन सी यासीम रवि अंकित कुमार वेरी गुड आई थिंक आई एम रिसीविंग थोड़ा लेट आ रहा है चैट्स यस करेक्ट है करेक्ट है सो लेट मी जस्ट हेल्प यू विद दिस देखिए अभी फॉर्मूला आपको पता ही है n इज इक्वल टू गिवेन मास डिवाइडेड बाई मोलार मासवन मास शुड बी इन ग्राम दैट इज द कंडीशन तो यहाँ पे kg में दिया है बस इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है वन kg जी इज इक्वल टू थाउजेंड ग्राम है ना तो ये जो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये थ्री प्लेसेस आगे चला जाएगा तो आपको ऊपर क्या मिल जाएगा 1.7 पॉइंट सेवन मोलार मास की बात करें तो मोलार मास क्या होता है अमोनिया का नाइट्रोजन का देखिए नाइट्रोजन का इट इज 14 है ना एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम होता है एक हाइड्रोजन का एक होता है बट यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है सो थ्री इंटू वन करेंगे तो यहाँ पे 17 ग्राम आ जाएगा फॉर मोलर मास ठीक है? ग्राम पर मोल भी बोल सकते हो आप लोग सो मोलर मास क्या आ जाएगा सेवनटीन आ जाएगा हेंस आंसर विल बी नथिंग बट वन बाय टेन दट इज जीरो पॉइंट वन मोल ऑफ अमोनिया सो एवरी वन वू द आंसर वेरी गुड वेरी गुड गाइस चलिए ठीक है तो मैं क्या बोल रही हूँ अभी तक हमने नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूला डिस्कस कर लिए जो कि कल ही डिस्कस किया था आई एम श्योर sure सबको याद होगा लेट मी जस्ट राइट द नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो हमने अभी तक डिस्कस किया है कल कौन सा फॉर्मूला डिस्कस किया था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवेन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर दिस वॉज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी स्टडीड ये और आज अभी कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हमने गिवेन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास तो अभी तक हमने क्या किया है ये दो फॉर्मूलाज पढ़ लिया है ठीक है अभी एक और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बचा हुआ है जो कि हम अभी आगे देखेंगे यस यस ओम करेक्ट है यस कौशिकी सो नाउ लेट अस मूव आई अच्छा मैं सोच रही थी कि अभी मैंने आपको बता दिया ये फॉर्मूला ठीक है अभी मैं सोच रही थी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सो दैट यू पीपल आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ मोल्स ठीक है तो लेटमी जस्ट डिस्कस वन क्वेश्चन विथ यू ऑल ओके ना दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आज इन नीट ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है तो ये जो क्वेश्चन है ये मुझे क्यों डिस्कस करना है बिकॉज आई थिंक देर वॉज वन स्टूडेंट जिसने डाउट पूछा था कल इन द कमेंट सेक्शन तो देर फोर आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस विथ यू ऑल सो डिस्कस करेंगे ओके okay, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला आप लोगों का होमवर्क होगा क्या बोला है ऑफ ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर एटम्स तो आपको एक ग्राम नाइट्रोजन एटम दिया है और एक ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिया है और आपसे पूछ रहे हैं कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है तो लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ठीक है अभी जैसे ही आपको मास दिख रहा है समझ जाओ आपको एक ही फॉर्मूला पता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवेन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ठीक है तो क्या होगा देखिए गिवन मास कितना दिया है वन दिया है मोलार पता है नाइट्रोजन एटम नाइट्रोजन एटम मतलब सिंगल नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है तो इधर कितना आ जाएगा वन बाय फोर्टीन तो आपको क्या पता चला कि n n इज नथिंग बट वन बाय फोर्टीन मोल्स ठीक है अभी आपको क्या पता करना है इसमें कितने आइटम्स है वो पता करना है तो आइटम्स पता करने के लिए क्या करेंगे एक और फॉर्मूला है हमको पता है एन इज इक्वल टू गिवेन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एवेगैड्रोस नंबर अभी यहाँ पे एटम्स की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे हम लोग गिवेन नंबर ऑफ एटम्स ठीक है इधर लिख देती हूँ मैं प्रॉपर नंबर ऑफ एटम्स न्यूमरिटन में क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एवेगैड्रोस नंबर अभी आप क्या कीजिए इसको इक्वेट कर दीजिए वन बाय फोर्टीन से है ना एन की जगह पर क्या है वन बाय फोर्टीन है सो लेट मीन जस्ट डू दैट वन बाय फोर्टीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एवगैड्रोस नंबर आ जाएगा ठीक है तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे कुछ नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या मिलेगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एन ए बाई फोर्टीन तो आपको क्या पता चल रहा है कि इन केस ऑफ वन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितना मिला Na ए बायोर्टीन मिला ठीक है नंबर ऑफ एटम्स कितना मिल रहा है नाइट्रोजन के लिए इट इज एन ए बाई फोर्टीन अभी हमको सेम चीज यहाँ पर भी करना है ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स पर पता करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है और फिर हमको बताना है कि ए और बी में से किस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है ठीक है तो अभी ये जो हमने किया है ए के लिए वो सेम चीज हम बी के लिए करके देखेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखो जैसे मास दिख रहा है एक ही फॉर्मूला हमको आता है दैट इज एन इज इक्वल टू गिवेन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास गिवन मास आपको पता है गिवन मास यहाँ पे वन आ जाएगा मोलार मास की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एन टू दिया हुआ है एटम की बात नहीं कर रहे हैं एन टू मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं मतलब दो नाइट्रोजन एटम है ठीक है और दो नाइट्रोजन एटम है तो क्या हो जाएगा फोर्टीन इंटू टू दैट इज नथिंग बट ट्वेंटी एट तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल गया वन बाय ट्वेंटी एट मोल्स मिल गया किसका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मिला है ठीक है किसका मिला है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का वन बाय ट्वेंटी एट मोल्स मिला है अभी आपको नंबर ऑफ एटम्स पता करना है बट आपको फॉर्मूला पता है एन इज इक्वल टू एन बाई अवेगैड्रोस नंबर अभी क्वेश्चन आता है कि ये जो एन है ये नंबर ऑफ एटम्स बताएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिया है मतलब यहाँ पे जो एन का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है यहाँ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चलेगा यहां पर क्या था यहां पर नाइट्रोजन एटम था इसलिए हमने क्या लिखा नंबर ऑफ एटम्स लिखा यहां पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसलिए हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे न्यूमरेटर में अभी क्या करते हैं बस वैल्यू पुट करना है तो एन की जगह पर क्या आ जाएगा वन बाय ट्वेंटी एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवेगैड्रोस नंबर स नम्रता वेरी गुड देखते हैं सो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या मिलेगा फिर आपको फाइंड आउट कीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इसको थोड़ा ऊपर लेकर हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी नथिंग बट एन ए बाय ट्वेंटी एट तो हमने क्या देखा कि Na ए बाई ट्वेंटी एट मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं किसके नाइट्रोजन के अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या question में क्या पूछा है ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर बात कर रहे हैं ये लोग मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर तो आपको मॉलिक्यूल्स का इन्फॉर्मेशन मिला है आपको एटम्स का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी एटम्स निकालना पड़ेगा तो एटम्स निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है आप देखो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ठीक है एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है नाइट्रोजन के यस यस पीपल आर गिविंग द राइट आंसर नाउ वेरी गुड गाइस वेरी गुड सो प्राउड ऑफ यू ऑल यस अंकित अंकित वेरी गुड तो देखिए एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं ना नाइट्रोजन के टू आटम्स ऑफ नाइट्रोजन सो यहां पर देख लो एन ए ट्वेंटी एट एन ए बाई ट्वेंटी एट एन टू मॉलिक्यूल्स है तो इसमें कितने आइटम होंगे बहुत सिंपल है एक्स ठीक है तो अभी हमको क्या करना है बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना है आइटम्स तो कैसे निकालोगे एक्स का वैल्यू क्या आएगा देख लीजिए इट विल बी नथिंग बट एन ए बाय ट्वेंटी एट इंटू टू तो क्या मिलेगा एन ए बायोटीन है ना तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है एन ए बाई फोर्टीन आइटम्स मिल रहे हैं नाइट्रोजन के बेसिकली so अगर आप कंपेयर करोगे फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर भी आपको एन ए बाई फोर्टीन मिल रहा था और यहां पर भी आपको एन ए बाई फोर्टीन मिल रहा है सो so आंसर क्या होगा आंसर विल बी इक्वल या देखो मैं मैं क्यों डिस्कस कर रही हूं पता है ये बिकॉज यहां पर भी बच्चे गलतियां करते हैं वो लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर निकाल लेंगे और फिर ऐसे कंपेयर करके डायरेक्टली आंसर बता देंगे डोंट डू दैट ठीक है यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स बोला है तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो अभी एक और क्वेश्चन पूछती हूँ सपोज ठीक है लेटमी सी हु कैन गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यस रवि यस वेरी गुड ठीक है क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना होगा मतलब मैं खुद की बात कर खुद की बात कर रही हूँ मैंने बहुत ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पढ़कर आंसर दिए हैं और मैंने क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाद में फिर यू नो सिली मिस्टेक की वजह से घर पे आके फिर रोना पड़ता है सो आई डोंट वांट कि आप लोग भी सेम चीज सफर करो ठीक है तो क्वेश्चन को पहले आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर यू हैव टू सॉल्व इट एक क्वेश्चन पूछती हूँ अगर मैंने एक ग्राम ऑक्सीजन आइटम का लिया एक ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लिया और एक ग्राम ओजोन का लिया तो मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या आएंगे सेम और डिफरेंट जस्ट टेल मी ओके पीपल आर गिविंग द आंसर वाओ वाओ कौशिकी यस ध्रुवा वेरी गुड अभिषेक वेरी गुड नम्रता वेरी गुड बच्चा ओके कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग आंसर इन द कमेंट सेक्शन आई थिंक ओनली थ्री पीपल गिव द आंसर कौशिकी नम्रता एंड प्रज्ञा प्रज्ञा सिंह या सो थ्री पीपल है आंसर फॉर माई क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन इतना था कि कॉस्टिक सोडा एसिटिक एसिड एंड

एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना आपको एक ही एलिमेंट का मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन यहाँ पे O2 टू यहाँ पे O3 तो एक ही एलिमेंट का अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं और वेट सेम दिया है वन ग्राम वन ग्राम वन ग्राम ठीक है तो हमेशा नंबर ऑफ एटम्स क्या आएगा सेम ही आएगा जस्ट रिमेंबर सो देखिए अब मैंने डिस्कस कर लिया है अभी एक क्वेश्चन में देती हूं आपको एज अ होमवर्क सो दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट यूल टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ठीक है तो नीट में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आया है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी की बात कर रही हूँ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आया है इन नीट 2020 जिसमें आपको बताना था कि इन दोनों में से कौन से किस किसके केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स मिलता है तो जिस तरीके से मैंने अभी सॉल्व किया है ना वही तरीका अपनाओ और मुझे आंसर इसका कमेंट सेक्शन में देना आफ्टर द सेशन एंड्स ए होगा कि बी होगा लेट मी सी हु विल गिव द आंसर या yeah. या yeah, मैं चेक कर रही थी चलिए ठीक है अभी इनाफ ऑफ डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन अभी फिर से कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं सो so, मुझे ये क्वेश्चन डिस्कस करना था आपके साथ बिकॉज इससे आपके जो कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाएंगे इसलिए डिस्कस किया मैंने नाउ वी कैन मूव आई हेड विद नेक्स्ट थिंग दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन ठीक है तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन में एक्जैक्टली exactly करना क्या है मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको दे दू इसमें देखो होता क्या है ना द पीपल हु आर द पीपल हु आर वर्किंग ऑन रिसर्च ठीक है मतलब जो भी रिसर्च uh, कर रहे हैं जो भी नए नए कंपाउंड बनाते रहते हैं तो उनका क्या होता है ना जब भी वो लोग नए कंपाउंड्स बनाते हैं उनको अपना पेपर पब्लिश करना होता है तो उनको बताना होता है कि उनका जो कंपाउंड है उसमें एक्जैक्टली exactly कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है मतलब uh, कितना परसेंटेज है हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है कार्बन का कितना परसेंटेज है ऑक्सीजन का तो वो सब भी क्या करते हैं यही वाला फॉर्मुला यूज करते हैं जो उन्होंने ट्वेल्थ में पढ़ा था ठीक है तो ये फॉर्मूला का इम्पोर्टेंस देखो मतलब द पीपल हु आर डूइंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग पेपर्स उनको भी यही फॉर्मूला यूज करना पड़ता है तो अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए सपोज एग्जाम्पल पानी का ही ले लेते हैं है ना तो इस पानी के अंदर हमको क्या पता करना है कि हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए वी जस्ट हैव टू यूज दिस फॉर्मूला बस यही फॉर्मूला यूज करना है तो एक बार फॉर्मूला पढ़ लीजिए क्या दिया है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट जिस भी एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है ठीक है इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड तो अगर आपको हाइड्रोजन का मास निकालना मतलब हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकालना है तो हाइड्रोजन का मास आपको न्यूमरेटर में रखना है और डिनोमिनेटर में आपको क्या रखना है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड तो पानी का जो मोलर मास है ना वो आप डिनोमिनेटर में रखिए और आपको पता है यहाँ पे आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है अभी ना इसको सॉल्व करते हैं ठीक है थीके? जब सॉल्व करोगी तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और लगेगा कि हाँ मुझे फॉर्मूला आता है ठीक है तो लेट मी जस्ट डिस्कस वट एवर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक यहां पर आ जाते हैं चलिए यहां पर आ जाते हैं सो so, देखो यहां पे क्या दिया है? कि आपको ना मतलब वही वॉटर की बात कर रहे हैं ये लोग भी ठीक है तो वाटर में आपको क्या निकालना है हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में आपको मोलर मास की जरूरत है डिनोमिनेटर में देखो आपको मोलर मास चाहिए तो पानी का मोलर मास निकालते पानी का मोलर मास कैसे निकालेंगे देखिए एक हाइड्रोजन का वन ग्राम होता है तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा टू इंटू वन प्लस एक ऑक्सीजन का सिक्सटीन तो कितना हो गया एटीन ग्राम पर मोल ठीक है तो आपको क्या मिल रहा है एच टू ओ का मोलर मास इज नथिंग बट एटीन ग्राम तो वो डिनोमिनेटर में रखिए अभी आपको अगर हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकालना है तो हाइड्रोजन का ही मास आपको न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा तो आप देखो एक हाइड्रोजन का वन ग्राम होता है दो हाइड्रोजन ठीक है यहाँ पर एच टू ओ में दो हाइड्रोजन है तो आपको क्या करना पड़ेगा टू इंटू वन करेंगे आप सो टू इंटू वन डिवाइडेड बाई एटीन इन टू हंड्रेड करना है बिकॉज जब भी आप परसेंटेज निकाल रहे हो आपको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है बचपन से आप परसेंटेज निकाल रहे हो ना कितने मार्क्स मार्क्स आए आए कितने खुद के भी 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 निकालते निकालते हो 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 सामने वाले का कंपेयर करते रहते हो, है ना सो so, पर वही इन टू हंड्रेड कीजिए आपको मास्क परसेंटेज मिल जाएगा हाइड्रोजन का दैट इज सेवन पॉइंट वन एट सिमिलरली ऑक्सीजन का भी सेम स्टोरी है आपको पता है कि H2O में एक ही ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है इसलिए न्यूमरेटर में क्या आ गया 16 आ गया डिनोमिनेटर में आपको पानी का मोलर मास लेना है 18 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से आपको क्या मिल जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा सो आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें डाउट है यस वेरी गुड ध्रुवा ध्रुवा ने पूरा फॉर्मूला लिख दिया है कमेंट सेक्शन में गुड गुड टू सी दैट शो एब आई होप यू आर गेटिंग वट एम एक्सप्लेनिंग ओवर यर अभी आगे बढ़ते हैं एथोनोल की बात करते हैं अभी देखो अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एथेनॉल तो आपको एक चीज तो डेफिनेटली पता होना चाहिए दैट इज मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं पता है तो टू बी ऑनेस्ट आप नहीं सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन ठीक है सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि ये फॉर्मूलाज वगैरह है ना ये सब लाइक जब जब भी भी आप देखते हो कोशिश करो ऑन द स्पॉट याद करने की ठीक है तो फॉर्मूला क्या है एथेनॉल का इट इज सी टू एच फाइव ओ एच अगर आपको पता है कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला में क्या होता है डिनोमिनेटर में ना आपको मोलान मास लेना होता है तो आपको इस एथेनॉल का मोलान मास निकालना पड़ेगा बहुत सिंपल है एक कार्बन का कितना होता है एक कार्बन का ट्वेल्व होता है मोलार मास है ना बट आप देख रहे हो यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे टू से मल्टीप्लाई कर दोगे सेम स्टोरी ओवर ईयर हाइड्रोजन आप देखिए हाइड्रोजन में आप देख रहे हो कितने हाइड्रोजन है टोटल सिक्स हाइड्रोजन है ओके सो एम आई ऑडिबल टू ऑल जस्ट लेट मी नो ओके अच्छा आई एम सो सॉरी बच्चा वाई uh, फाई का थोड़ा इशू था आई डोंट नो वॉट हैपन्स जैसे बीच में हो जाता है कनेक्टिविटी इशू ओके चलिए सो वेयर वॉज आए मैं बता रही थी आपको एथेनॉल के बारे में है ना कि अगर आपको एथेनॉल में ओके okay, राइट right? हाँ क्या सच्ची ओके ओके चलिए ठीक है सो लेट अस कंटिन्यू तो मैं बोल रही थी आपको इथेनॉल की अगर हम बात करें सो so, इथेनॉल में आप फॉर्मूला देख लीजिए इट इज सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है C2H5OH, तो आपको इसका मोलार मास निकालना पड़ेगा सबसे पहले बिकॉज फॉर्मूला में अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर में हमको मोलार मास रखना होता है तो so, मोलार मास हमने निकाला कितना आया फोर्टी सिक्स आया इसको डिनोमिनेटर में रख दीजिए अभी आपको क्या करना है हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है सो so, कार्बन का जब आप निकालोगे तो फार्मूला में देखो दो कार्बन दिया है एक कार्बन का ट्वेल्व होता है दो कार्बन का कितना हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन की बात करो फॉर्मूला में देखिए छह हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन का वन तो छह हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा सो so, न्यूमरेटर में क्या रखोगे आप सिक्स रखोगे सिमिलरली फॉर्मूला में आप देखिए कितने ऑक्सीजन है एक ही तो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का सबको पता है वॉइस नॉट coming. हेलो हाँ हेलो क्या हो रहा है वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी बिकॉज बच्चे बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है अच्छा अच्छा ठीक है मैं अभी अभी देखती हूँ आ रही है कि नहीं आ रही है अब बताइए हाँ अभी आई थिंक आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है आई थिंक हो गया है सर हो गया है आई थिंक सो हम्म हम्म थैंक यू थैंक यू ओके सो गाइस लेट मी नो इफ माय वॉइस इज कमिंग और नॉट वॉइस सुनाई दे रही है क्या जस्ट लेट मी नो हेलो ऑडिबल हेलो सर क्या करूँ कुछ समझ समझी? क्या करना exactly? आप मैं आपको वो ने ने, का ने, ने. हाँ, ने पे कीजिए ना आप। है ना एक मिनट। हाँ सर किया है एक्सेप्ट किया मैंने हाँ सर बोलिए आवाज तो जा रही आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन हो तो तो गया ना ओके।, ओके सर ओके ओके कॉल कट कर करू ना Mm-hmm. है इसको डिनोमिनेटर में रख दीजिए अब भी आपको क्या करना है हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है कार्बन का जब आप निकालोगे तो फार्मूला में देखो दो कार्बन दिया है एक कार्बन का 12 होता है दो तो कार्बन का कितना हो जाएगा 24 ओके सो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज कि थोड़ा स्लो चल रहा है मतलब मैं पहले बोल दे रही हूँ और बहुत टाइम के बाद ये जो वीडियो है ये स्ट्रीम हो रही है सो so, मैं क्या करती हूँ ना आई आस्क मेनी क्वेश्चन आई जस्ट कंटिन्यू ठीक है मैं कंटिन्यू करती हूँ सो दैट वी कैन वाइंड अप मतलब वी कैन कवर मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट टूडे ठीक है सो लेट मी कंटिन्यू विद वॉट आई वॉज टीचिंग सो देखो यहाँ पर आपने सीख लिया किस तरीके से आप क्या निकालते हो मास परसेंटेज निकालते हो इन केस ऑफ एथेनॉल एंड इन वॉटर नाउ वी विल मूव अहेड टू एम्पेरिकल फॉर्मूला बिकॉज देखिए और मुझे नहीं लगता एग्जाम्पल्स की जरूरत है फॉर मास परसेंटेज सबको समझ ही गया होगा सो लेट एस जस्ट मूव अहेड सो एम्पेरिकल फार्मूला की बात करेंगे अभी एम्पेरिकल फार्मूला क्या है देखो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला को समझने के लिए बेस्ट है कि हम लोग ग्लूकोज की बात कर लेते हैं सो so, ग्लूकोज की बात करते हैं ग्लूकोज का फार्मूला अगर आप देखोगे इट इज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स आई एम श्योर इतना आप, आपको पता होगा ठीक है so, सो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है ना इस फॉर्मुले को हम लोग क्या बोलते हैं दिस फार्मूला इज कॉल्ड एस मोलिकुलर फार्मूला ठीक है इस फॉर्मूला को हम मोलिकुलर फार्मूला बोलेंगे इस फॉर्मूला में आप क्या देख रहे हो आपको एक्जैक्टली exactly कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स है और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स है इसका इंफॉर्मेशन मिलता है तो याद रखिए मोलिकुलर फार्मूला मतलब ऐसा फॉर्मूला जहां पर आपको कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटम्स है उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो इसको आप क्या बोलोगे दिस फॉर्मूला विल बी कॉल्ड एस मॉलिकुलर फॉर्मूला अभी हम बात करेंगे सो so, अभी हम बात करेंगे अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला अच्छा राहुल आ, राहुल कुमार घोष आई वुड रिकमेंड यू टू ये जो आपने मैसेज भेजा है ना इसको आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा मैं वहां पर रिप्लाई करूंगी ठीक so, है सो इट्स बेटर यू टाइप ओवर देयर चलिए ग्लूकोज का फार्मूला ए सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो इसको हम लोग मॉलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं सपोज अभी मुझे ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे बहुत सिंपल है सबसे पहले आपको क्या करना है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो निकालना है ठीक है सो लेट अस फाइंड आउट दैट देखिए कार्बन कितना दिया है सिक्स दिया है ठीक है हाइड्रोजन कितना दिया है ट्वेल्व दिया है और ऑक्सीजन कितना दिया है सिक्स दिया है अभी इसको आपको क्या करना है फर्दर सिंप्लीफाई करना है सो फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप मुझे बताओ सिक्स ट्वेल्व और सिक्स ये तीनों ही नंबर्स जो है वो सिक्स से डिवाइड हो सकते हैं तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा वन आ जाएगा यहाँ पे टू आ जाएगा और यहाँ पर वन आ जाएगा तो आप देखिए आपको क्या मिल रहा है कार्बन का रेशियो कितना मिल रहा है वन मिल रहा है हाइड्रोजन का टू मिला ऑक्सीजन का वन मिला तो इसकी वजह से जो नेक्स्ट फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड लेस एम्पेरिकल फार्मूला कार्बन कितना मिल रहा है एक बार आ रहा है हाइड्रोजन कितनी बार आ रहा है दो बार आ रहा है और ऑक्सीजन कितनी बार एक बार सो so, ये जो फॉर्मूला है ना दिस फार्मूला विल बी कॉल्ड लेस एम्पेरिकल फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज एम्पेरिकल फॉर्मूला तो याद रखो कि मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या पता चलता है मॉलिकुलर फॉर्मूला में एग्जैक्टली exactly कितने नंबर ऑफ एटम्स है इसका इन्फॉर्मेशन पता चलेगा और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या पता चलता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स जैसे कि देखो सिक्स ट्वेल्थ सिक्स था इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा वन इज टू टू इज टू वन हो जाएगा इसलिए ये जो फॉर्मूला मिला ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे एम्पेरिकल मिलेंगे अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ ना मुझे आपकी चैट दिख रही है बट हुआ क्या है ये जो थोड़ा डिले हुआ है मतलब मैंने बहुत पहले ये पढ़ाया है और वो अभी आपको स्ट्रीमिंग दिखा रही है तो अभी मुझे आपकी चैट दिख रही है तभी वो टाइम पर नहीं दिख रही थी सो so, थोड़ा सा डिले हो रहा है अंडरस्टैंड गाइज ऑनलाइन में यही है सो so, सॉरी आगे बढ़ेंगे ठीक है तो मैं आगे पढ़ाती जाती हूँ देखिए अभी एम्पेरिकल फार्मूला का आप देख लो डेफिनेशन क्या है एन एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड तो यहां पर आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स का वेर इस मॉलिक्युलर फॉर्मुला विल शो यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड तो मोलिकुलर फॉर्मूला में आपको पता चलेगा कितने एक्जैक्टली नंबर ऑफ एटम्स है और एम्पेरिकल फार्मूला में आपको सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में आइडिया मिलता है अभी एच टू ओ टू का मुझे आपसे पूछना था बट मुझे लग रहा है आज थोड़ा डिले हो रहा है सो मैं ही क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ सो so, यहाँ पे देखिए एच टू ओ टू ये जो फॉर्मूला है ना इसमें आपको पता चल रहा है कि एक्जैक्टली exactly कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स है और ऑक्सीजन आइटम्स है इन दिस हाइड्रोजन परोक्साइड तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप क्या बोलोगे दिस विल बी कॉल्ड एस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका अभी हम क्या करेंगे इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मतलब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो देखो आपको दो हाइड्रोजन मिल रहा दो ऑक्सीजन मिला इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा जस्ट डिवाइड बोथ बाई टू तो क्या मिल जाएगा वन इज टू वन तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा एच ओ तो ये जो फॉर्मूला मिला ना ठीक है दिस फॉर्मूला विल बी कॉल्ड एज एम्पेरिकल फॉर्मूला दिस विल बी कॉल्ड एज एम्पेरिकल फॉर्मूला सो बेसिकली आई एम श्योर सबको समझ गया रहेगा कि मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है हमने इस तरीके से समझ लिया है अभी आपको देखो क्या करना है ना यहाँ पे हमको पता करना है कि ये जो n है ये क्या है तो मैं पहले ही बता दू दिस n इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स इसके पहले देखो जो भी हमने पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा था कि n क्या होता है n नंबर ऑफ मोल्स होता है बट ये वाला जो n है ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है सो दिस इज जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन दिस इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स So let us move ahead. ठीक है तो ये जो एन है उसका वैल्यू हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे एन इज इक्वल टू मॉलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ठीक है और यू कैन ऑल्सो से एम्पेरिकल मास तो बेसिकली हम ना मॉलिकुलर फॉर्मूला मासल मास को रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से लाइक एन इज इक्वल टू मॉलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास जहां पर आपको एन का वैल्यू आइदर वन मिलेगा या फिर टू या फिर थ्री या फिर जो भी हो सकता है एक्सेट्रा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग निकाल कर देखते हैं इन केस ऑफ एच टू ओ टू एच टू ओ टू के लिए हम लोग क्या करेंगे इस एन का वैल्यू निकालते हैं तो मुझे बताओ इस N का वैल्यू कैसे निकालेंगे? Numerator में आपको दो हाइड्रोजन का टू ठीक है फिर एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा सो so, कितना हो गया थर्टी फोर सो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा थर्टी फोर टॉकिंग अबाउट एम्पेरिकल मास एक हाइड्रोजन का कितना वन और एक ऑक्सीजन का कितना सिक्सटीन तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सेवनटीन तो एंड का वैल्यू विल बी नथिंग बट टू तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो मॉलिकुलर फॉर्मूला मास और एम्पिक एम्पेरिकल फार्मूला मास के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो तो आई एम श्योर ये सबको समझा होगा सिंपल मैथ्स है है ना किसी को अगर जरा सा कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो आई एम श्योरली गोइंग टू रिप्लाई डोंट वरी अबाउट दैट अभी क्या करेंगे ना देखो यहाँ पर ना कुछ स्टेप्स बताए हुए मतलब देखो अगर सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आया लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चन फॉर यू ऑल अ कंपाउंड कंटेज फोर पॉइंट जीरो सेवन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ट्वेंटी फोर पॉइंट टू सेवन परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स परसेंटेज ऑफ क्लोरीन तो आपको ना सबका परसेंटेज दे दिया है कि हाइड्रोजन का कितना है कार्बन का कितना है और क्लोरीन का कितना है और मोलार मास बता दिया है मोलार मास मतलब वही मोलिकुलर फॉर्मूला मास बता दिया है कितना है इट इज 98.96 ग्राम व्हाट आर दे आस्किंग व्हाट विल बी इट्स एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मुलाज तो आपको मास परसेंटेज बता दिया है कि हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है कार्बन का कितना है क्लोरीन का कितना है मॉलिकुलर फॉर्मुला मास बता दिया है और एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है तो बहुत ही सिंपल है कुछ स्टेप्स है इसके लिए ठीक है मैंने हाईलाइट करके रखे हैं सारे स्टेप्स तो एक एक कर एक एक करके सारे स्टेप्स को देखेंगे और इसको ना इस टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे ठीक है टेबुलर फॉर्म में लिखने से क्या हो जाता है ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो जाता है सो लेट मी जस्ट डू दैट फॉर यू देखो यहाँ पर क्या बोला है? since we are using uh, since we are having mass percentage it is convenient to use 100 gram of the compound as the starting material thus in the 100 gram sample 4.07 gram of hydrogen is there 24.27 gram of carbon is there and 71.65 gram of chlorine is there iska matlab samjho kya hai iska matlab ye bol rahe hain ki suppose मतलब अगर आपको कैलकुलेशन आसान करनी है तो ये लोग बोल रहे हैं कि suppose जो भी कंपाउंड है उसका टोटल मास 100 ग्राम है ठीक है तो अगर इन्होंने बोला है कि 4.07 परसेंटेज हाइड्रोजन का है तो आप डायरेक्टली क्या ले लो 4.0 ग्राम 4.07 ग्राम ले लीजिए हाइड्रोजन के लिए ठीक है 24.27 परसेंटेज कार्बन का है तो आप डायरेक्टली क्या ले लो 24.27 ग्राम आप कार्बन के लिए ले लीजिए एंड 71.65 ग्राम आप क्लोरीन के लिए ले लीजिए तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको मैंने यहां पर आपको बता दिया है कि जो भी परसेंटेज है ना डायरेक्टली उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो बस इतनी सी बात है ठीक है तो अभी मैं इस टेबुलर फॉर्म में इसको फिल कर देती हूँ देखिए एलिमेंट कौन से कौन से है कार्बन है हाइड्रोजन है और क्लोरीन है कार्बन की अगर हम बात करेंगे सो एटॉमिक मास कार्बन का 12 है हाइड्रोजन का 1 है क्लोरीन का इट इज 35.5 परसेंटेज इन ग्राम्स ठीक है तो ग्राम्स में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि फॉर कार्बन वी विल टेक 24.27 तो इधर लिख देती हूँ हाइड्रोजन कितना दिया है फॉर हाइड्रोजन दिया गेवन गिवन 4.07 और अगर आप देखोगे क्लोरीन के लिए इट इज 71.65 ठीक है अभी आपको क्या करना है नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आप देखो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है क्या है नेक्स्ट स्टेप

ठीक है तो यहाँ पे कर देते हैं देखिए क्या हो जाएगा परसेंटेज कितना दिया ट्वेंटी फोर पॉइंट टू सेवन तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे ट्वेल्व से तो कितना मिलेगा टू पॉइंट जीरो टू वन इसको मैं थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ हाँ टू पॉइंट जीरो टू वन मिल जाएगा सिमिलरली अगर हाइड्रोजन की बात करें तो जो भी वैल्यू है ना जो भी ग्राम में आया आपको उसको न्यूमरेटर में रखो डिवाइड कर दीजिए इसके मास से ठीक है दैट इज वन तो आपको कितना मिलेगा 4.07 और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 71.65 इसको आप डिवाइड कर दीजिए 35.5 से तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा इट विल बी 2.021 पॉइंट यहां तक सबको समझ गया होगा इसके बाद क्या करना होता है रुको मैं आपको डायरेक्टली यही पर बता देती हूँ यहाँ पर बता देती हूँ ठीक है इसके बाद आपको मोल रेशियो निकालना है अभी मोल रेशियो कैसे निकालते हैं बताती हूँ देखो ये जो वैल्यू मिल रहा है ना इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो 2.021 ठीक है और इसको डिवाइड करना है विद द विदॉलेस्ट नंबर तो इन तीनों को देखो ठीक है ये जो तीनों वैल्यूज मिले हैं ना इसको तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है सबसे छोटा नंबर 2.021 है तो बस उससे डिवाइड कर दीजिए 2.021 सिमिलरली यहाँ पर देखिए यहां पर आपको क्या मिला है 4.07 मिला है सो फोर पॉइंट लिखिए और इसको डिवाइड कर दीजिए सबसे छोटे नंबर से चो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है टू है ठीक है तो इसको डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा देखो यहाँ पे तो वन मिल जाएगा इसको डिवाइड करने पर आपको टू के आसपास मिल जाएगा वैल्यू और यहां पर भी सेम थिंग है टू पॉइंट जीरो टू वन को आप डिवाइड कर दीजिए टू पॉइंट जीरो टू वन से तो यहां पर आपको वन मिल जाएगा सो so, देखिए आपको सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिला वन इज टू टू इज टू वन मतलब इससे आपको क्या पता चल रहा है देखिए मी जस्ट यू इससे आपको यह पता चला कि कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन ठीक है कार्बन का आपको वन मिल रहा है हाइड्रोजन का आपको टू मिल रहा है और क्लोरीन का आपको वन मिल रहा है तो इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इट विल बिकम सी एच टू सी एल सो दिसम्स योर एम्पेरिकल फॉर्मूला तो चलो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकाल लिया आपने ठीक है अभी आपको क्या निकालना है अभी आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है सो so जब आप मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालते हो ना तब आपको जो मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था ना उसका यूज करना है ठीक है कौन सा फार्मूला मैंने बताया था आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है दिस वन मास मास डिवाइडेड तो इस फॉर्मूले का यूज करके ठीक है आपको पता करना है कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा बिकॉज एम्पेरिकल फार्मूला तो पता चल गया है अभी मोलिकुलर फार्मूला निकालना है हमको सो so, अभी आगे स्टेप्स पढ़ते हैं इसके आगे जाते हैं और स्टेप्स पढ़ते हैं देखो यहाँ पे बताया हुआ है ये स्टेप क्या है डिवाइड मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास सो दैट हमको किसका वैल्यू मिल जाए एन का वैल्यू मिल जाए सबसे पहले हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं ना फॉर्मूला तो पता चल गया इट इज सी एच टू सी एल इसका अभी हम लोग क्या करेंगे मास निकाल लेंगे तो देखो एक कार्बन का कितना होता है बारह होता है ठीक है दो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन का वन दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा टू इंटू वन एक क्लोरीन का थर्टी फो थर्टी फाइव पॉइंट फाइव होता है ठीक है इसको अप्रॉक्सिमेटली बोल रही हूं थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो आपको कितना मिल गया एम्पेरिकल फॉर्मुला मास गया फोर्टी नाइन पॉइंट फोर एट अभी आपको क्या करना है एन का वैल्यू निकालना है तो एन का वैल्यू क्या होता है एन इज इक्वल टू मोलार मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास इंस्टेड ऑफ मोलार मास यू कैन ऑल्सो से मॉलिकुलर फॉर्मूला मास फर्क नहीं पड़ता है ठीक है So, आप देखिए आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला मास जो भी मोलर मास है ना उसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया था इट इज 98.96 एट पॉइंट फॉर्मूला मास अभी जस्ट हमने वैल्यू निकाला इट इज 49.48 इसको डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा एन का वैल्यू एन का वैल्यू टू मिल जाएगा सो so, इससे अभी आप मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हो कैसे पता है क्या लेट मी जस्ट हेल्प यू विद इट देखिए जो भी एम्पेरिकल फार्मूला मिला क्या मिला सी एच टू सी एल ना ये आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको क्या मिल जाएगा मॉलिकुलर फार्मूला मिल जाएगा ठीक है सो मॉलिकुलर फार्मूला अगर आपको चाहिए तो क्या करना है बस एम्पेरिकल फार्मूला को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिकुलर फार्मूला मिल जाएगा ठीक है तो आप बताइए मुझे अगर इस फॉर्मूले को मैंने टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया देखो कार्बन इधर एक बार है अगर टू से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन दो बार हो जाएगा ठीक है हाइड्रोजन इधर दो बार है इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू इंटू टू इज नथिंग बट फोर सिमिलरली सीएल मुझे यहां पर एक बार दिख रहा है इसको अगर दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा सो आप देखिए आपको क्या मिल गया मोलिकुलर फॉर्मूला इट इज सी टू एच फोर सी एल टू ठीक है तो जो भी एंपेरिकल फॉर्मूला था ना उसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया है एन के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो एन आपको टू मिला था ना तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया आपको क्या मिल गया आपका मोलिकुलर फॉर्मूला मिल गया यस यस ऐशाफ या प्रिंसेस ऐशाफ आई थिंक दैट इज द नेम सो येस टेस्ट सीरीज रखा है बच्चा ठीक है फ्रॉम द कमिंग टूजडे सो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग इथ एंड आपको ही काफी कॉन्फिडेंस का मिलेगा अगर आपने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे सो आई एम ट्रस्ट मी यू कैन स्कोर गुड मार्क्स एंड यू कैन गेट योअर ड्रीम कॉलेज ठीक है सो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए बच्चा सो so, देखो वी आर डन विथ एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिकुलर फॉर्मूला एक क्वेश्चन आया था नीट में दिस योर ठीक है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं exactly वही क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था इन नीट ट्वेंटी ट्वेंटी को एग्जाम हुई थी उसकी बात कर रही क्वेश्चन तो मतलब kind of आया था कार्बन का सेवेंटी फाइव परसेंटेज बता दिया है आपको और हाइड्रोजन का ट्वेंटी फाइव परसेंटेज बता दिया ठीक है सो so, uh, uh, मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना था तो जो मैंने तरीका बताया है ना इस टेबुलर फॉर्म को आप फॉलो कीजिए इस इसके अकॉर्डिंग uh, आप आंसर निकाल सकते हो ठीक है तो ये भी आपका क्या हो गया ये भी आपको ये होना चाहिए कभी कभी ये लोग क्या करते हैं ना एग्जाम में आपको वेपर डेंसिटी का वैल्यू दे देंगे सपोज वेपर डेंसिटी का वैल्यू फिफ्टीन दे दिया तो आपको मोलिकुलर मास खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा तो जिसको ये फॉर्मूला पता है ना वो बता सकता है सो तो क्या होगा देखिए अगर वेपर डेंसिटी का वैल्यू 15 है तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा 15 बाई टू हो जाएगा और मी जस्ट टेक सिंपलर नंबर ठीक है 30 कर देती हूँ

ओके okay, तो देखिए हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कर दिया अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका स्टॉइशोमेट्री वाला टॉपिक है ठीक है इसपे स्टार्ट इस पे जाने से पहले ना मुझे एक नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला डिस्कस करना है बिकॉज जब तक मैं वो डिस्कस नहीं करूंगी तब 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 तब, तब तक आपको ये आगे वाला पार्ट नहीं समझेगा ठीक है तो इसीलिए वो वाला फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं देखो यहाँ पर आ जाते हैं so, देखिए यहां पर मैं कुछ बात आपको बता रही हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है वोवल आई विल ट्राई ठीक है आई ट्राई टू डू सो जो आप बोल रहे हो मैं कोशिश करूंगी जरूर ठीक है अभी यहाँ पर आ जाते हैं, देखो सपोज मैंने ये कंटेनर लिया है ठीक है ये मैंने एक uh, कंटेनर लिया ठीक है कोई तो बर्तन लिया और उसको क्लोज कर दिया ठीक है ऊपर से ये बंद है ठीक है ये जो कंटेनर है ना ऊपर से एकदम सील पैक्ड है बंद है ठीक है और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया है वन मोल ऑफ गैस भर के रखा हुआ है तो क्वेश्चन आता है कि इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा क्या बोला मैंने मैंने एक बर्तन लिया ठीक है बर्तन बंद है आपका एंड बर्तन के अंदर क्या किया है वन मोल ऑफ गैस फिल करके रखा हुआ है ठीक है तो अगर क्वेश्चन आएगा कि इस बर्तन का बता दो इस कंटेनर का वॉल्यूम बता दो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आठ एस टी पी इट विल बी ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स एंड एट एन टीपी इट विल बी ट्वेंटी अभी एस टी पी क्या है एन टीपी क्या है हम लोग पढ़ेंगे बट फिलहाल मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि अगर मैंने कोई कोई भी गैस ठीक है जैसे कि आप नाइट्रोजन गैस ले लो सीओ टू गैस ले लो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीलियम कोई भी गैस ले लीजिए अगर आप उस गैस का एक मोल ले रहे हो और एक बर्तन में बंद कर रहे हो तो उस बर्तन का जो वॉल्यूम है ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर और इट विल बिकम 22.7 लीटर डिपेंडिंग कौन सा कंडीशन है अगर एस टीपी है तो ट्वेंटी टू पॉइंटीपी है तो 22.7 टू लीटर्स ठीक है तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए बिकॉज कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि मैम कभी कभी 22.4 यूज करते हैं कभी कभी 22.7 यूज करते हैं ऐसा क्यों? बिकॉज कंडीशन डिफर करते हैं अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वॉल्यूम देखने को मिलता है आपको सो so, आगे बढ़ेंगे लेट टॉक अबाउट एस टीपी नाउ एस टीपी का फॉर्म क्या होता है एस टीपी का फुल फॉर्म इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में याद रखो टेम्परेचर कितना होता है टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस जीरो डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कितना हो जाएगा टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव एलविन प्रेशर की अगर हम बात करें प्रेशर कितना हो जाएगा इट विल बी वन एटीएम ठीक है तो जब भी टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस है या फिर टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव है सो प्रेशर विल वन 1 टी एंड द वॉल्यूम विल बिकम ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स